हर हर महादेव सभी भाइयों को। आज हम मध्य प्रदेश में हमारे महादेव की नगरी उज्जैन नगरी में जाने वाले हैं और आप सभी को दर्शन करवाने वाले हैं श्री अंगारेश्वर मंदिर में विराजमान और महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान हमारे भोलेनाथ के। सबसे पहले लिए चलता हूं आप सभी को शिप्रा नदी के किनारे स्थित श्री अंगारेश्वर मंदिर में, जहाँ पर मान्यता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल का दोष या कोई और दोष हो तो आप यहां आकर अंगारेश्वर महाराज को प्रिय भात पूजा करवा सकते हैं मंगलवार के दिन, जिससे आपकी कुंडली के दोष शांत होंगे। यही है दोस्तों श्री अंगारेश्वर मंदिर, जहां देश के अलग अलग राज्य से आए लोग पूजा करवा रहे हैं और अपनी कुंडली में स्थित दोषों का निवारण कर रहे हैं। अब लिए चलते हैं दोस्तों आप सभी को सबसे प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो श्री अंगारेश्वर मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। मंगलनाथ जी का मेन जन्म स्थल है, अंगारेश्वर का नाम जिसे ले रहे हैं, जहाँ पे जो पूजा जो होती है ना मंदिर शिवलिंग के पास में, ये महाकाल के पास की मार्केट है, हर हर महादेव दोस्तों। ये रास्ता कहलाता है दोस्तों श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर, जहाँ से बस थोड़ा ही आगे जाकर आपको देखने को मिलते हैं मंदिर में इंटर और एग्जिट करने के द्वार। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत बात जो श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर के बारे में है वो ये है कि कॉरिडोर के एक तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर सभी भगवानों एवं देवी देवताओं की प्रतिमाएँ बनाई हुई हैं, वो भी मूर्ति के नीचे उसके इतिहास के सही, जैसा कि आप देखेंगे। जैसे ये जो महाराज हमारे हैं मणिभद्र, मणिभद्र नीचे आप देखिए नोको मारवा, और इस तरफ यहाँ पर पूरा इतिहास है ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ दक्ष यज्ञ वीरभद्र कॉन्कर्ड ऑल द, इस तरीके से पूरा का पूरा आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा महाकालेश्वर मंदिर में किया हुआ है, पानी की भी व्यवस्था दोस्तों की हुई है, पानी पीते हैं पहले। मंदिर की सुंदरता को निहारते निहारते जब आप भक्तों की लाइन देखोगे तो पता चलेगा कि कितनी लंबी ये लाइन है, 1.5 से 2 घंटे लाइन में लगने के बाद ही आपको महादेव के दर्शन हो पाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप आगे आगे बढ़ते हैं इस तरीके की प्रतिमाएं बनाई हुई है, उधर आप देखिए सेतु ब्रिज का एक निर्माण हो रहा है, ये हमारा मंदिर का नजारा। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर को, महाकालेश्वर धाम को इतना सुंदर बनाया हुआ है, आप देखिए इतने सुंदर सुंदर पौधे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, इवनिंग में ये लाइट जो है इसकी सुंदरता को चार चांद लगाती है लाइट। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत पार्ट में, मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों आप सभी लोगों के से, क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव दर्शन नहीं करवा पाया हमारे महाकाल बाबा के, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अंदर जो है फोन वगैरह गैजेट वगैरह अलाउ नहीं है, वो पहले ही सबमिट हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रबंध महाकालेश्वर कमेटी ने किया हुआ है जहां से आप लाइव हमारे महाकाल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए हमारे बिल्कुल नरसिंह महाराज के पीछे किस तरीके से हमारे महाकाल बाबा की पूजा की जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय महाकाल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।